हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है। स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड एज अंडर लैंड एंड बिल्डिंग्स ऑफ ₹25 लाख एट 40 लाख। इसमें दो दो अमाउंट दिए हुए, इसका क्या मतलब है तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। स्टार टेक्सटाइल लिमिटेड ने मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड के एसेट्स परचेज किए 25 लाख वाले लैंड एंड बिल्डिंग को कंपनी ने 40 लाख में परचेज किया। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 10 लाख फॉर 7,50,000। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 10 लाख बट कंपनी ने 7,50,000 में उसे परचेज किया। फर्नीचर ऑफ 3 लाख फॉर 1 लाख, 3 लाख वाले फर्नीचर को कंपनी ने 1 लाख में परचेज किया। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 45 लाख, परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है 45 लाख। स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड पेड 3 लाख इन कैश एंड रिमेनिंग बाय इश्यू ऑफ 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹500 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड ने 3 लाख का पेमेंट कैश में ही कर दिया एंड बाकी का पेमेंट उसने डिबेंचर इशू करके किया। ओके, पर डिबेंचर का वैल्यू है 500 एंड प्रीमियम भी डिबेंचर इशू किया गया। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्टार टेक्सटाइल्स लिमिटेड। इसमें हमें जनरल एंट्री बनानी है, तो बहुत सिंपल एंट्रीज है, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, ये सारे एसेट्स हैं, सबकी एंट्री डेबिट साइड में होगी। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कौन है, किससे परचेज किया गया, मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड से परचेज किया गया ना, यहां हो जाएगा टू मॉडर्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड। अमाउंट देखिए, अमाउंट बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, 25 लाख के लाइन एंड बिल्डिंग्स थे बट कंपनी ने 40 लाख में परचेज किया, तो यहां पे 40 लाख हो जाएगा। ओके, एंड प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 10 लाख बट कंपनी ने 7,50,000 में उसे परचेज किया, तो यहां पे हो जाएगा 7,50,000। फर्नीचर का वैल्यू था 3 लाख बट कंपनी ने 1 लाख में परचेज किया, तो यहां हो जाएगा 1 लाख, हो गया ना। एंड टोटल कितने का पेमेंट करना है स्टूडेंट्स, 45 लाख का टोटल पेमेंट करना है जिसमें से 3 लाख का पेमेंट कर दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे 2 कैश भी हो जाएगा ना, यहां हो जाएगा 2 कैश अकाउंट, 3 लाख का पेमेंट कर दिया गया है। देखिए वर्किंग नोट में देख लीजिए, जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो इधर देख ले। टोटल 45 लाख का पेमेंट करना था मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड को, जिसमें से 3 लाख का पेमेंट कर दिया गया है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 लाख। अब सिर्फ 42 लाख का ही पेमेंट करना है, यहां हो जाएगा 42 लाख। तो कंपनी ने कैश पेमेंट की जगह उतने का डिबेंचर इशू कर दिया। यहां तक का आपको समझ में आया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दोनों साइड टोटल करेंगे, 40 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा, 48,50,000। डेबिट साइड का टोटल हो जाएगा 48,50,000 एंड क्रेडिट साइड में कितना है, 42 प्लस 3 लाख, ये हो जाएगा 45 लाख। माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 3,50,000। क्रेडिट साइड में कम अमाउंट है, यहां लिखेंगे 2 कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर यहां हो जाएगा 3,50,000। फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई, सारे बच्चों को समझ में आया होगा। नरेशन हो जाएगा परचेज ऑफ एन एसेट्स ₹42 लाख का पेमेंट करना है तो कंपनी ने उतने का डिबेंचर इश्यू कर दिया, तो अब डिबेंचर इश्यू वाली एंट्री करेंगे। मॉडर्न टेक्सटाइल लिमिटेड
डेबिट, प्रीमियम पे डिबेंचर इश्यू किया गया है तो प्रीमियम वाली एंट्री हो जाएगी 2.9%, 9% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, एंट्री हो गई हमारी। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, 42 लाख का पेमेंट करना था, यहां हो जाएगा 42 लाख। इसके बाद हम नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए यहां हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला सारे बच्चों को याद होगा, परचेज कंसिडरेशन अपॉन फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम मनी। तो परचेज कंसिडरेशन कितना है टोटल, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखिए टोटल 45 लाख परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ है। टोटल 45 लाख का पेमेंट करना था, जिसमें से 3 लाख का पेमेंट कर दिया गया है, तो माइनस करके ये हमारा आया 42 लाख। तो 42 लाख हो जाएगा हमारा परचेज कंसिडरेशन। अब सिर्फ 42 लाख का ही पेमेंट करना है, तो यहाँ हो जाएगा 42 लाख डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 500 प्लस प्रीमियम मनी। तो प्रीमियम मनी स्टूडेंट्स यहाँ पे परसेंट में दिया हुआ है, तो पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा, फेस वैल्यू का हमें 5% कैलकुलेट करना होगा, ये हो जाएगा 25 रुपीज प्रीमियम मनी है, 500 प्लस 25 इज इक्वल टू 42 लाख डिवाइडेड बाई 525। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सारे बच्चों को, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 8000। नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल टू 8000, कंपनी ने 8000 डिबेंचर इशू किया है। ओके, अब इसकी हेल्प से एंट्री हो जाएगी ना, 2.9% डिबेंचर अकाउंट में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड इनटू फेस वैल्यू, 500 फेस वैल्यू है, 8000 इनटू 500 ये हो जाएगा 40 लाख। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना हो जाएगा, 8000 इनटू प्रीमियम मनी 25 ये हो जाएगा 2 लाख। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया, आंसर मैच करेंगे हम, कैपिटल रिजर्व 3,50,000 एंड नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड 8,000, डिबेंचर ऑफ 500 ईच। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा डिफरेंट है। दिशा लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम निशा लिमिटेड एंड पेड टू निशा लिमिटेड एज फॉलोज, दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से मशीन परचेज किया एंड इसने पेमेंट ऐसे किया। पॉइंट फर्स्ट इज बाय इशूइंग ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया उसने। एंड पॉइंट सेकेंड इज बाय इशूइंग 209% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिबेंचर इशू करके उसने पेमेंट किया, इक्विटी शेयर भी उसने इशू किया एंड डिबेंचर भी उसने इशू किया। एंड थर्ड पॉइंट इज बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 पेबल आफ्टर 1 मंथ, इसके बाद उसने जो बैलेंस बचा उसका पेमेंट उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू किया। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा ना, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिशा लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड मेकिंग पेमेंट टू निशा लिमिटेड। दिशा लिमिटेड के बुक में हमें जनरल एंट्री बनानी है एंड उसने कितना टोटल पेमेंट किया हमें ये बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि कम दिशा लिमिटेड ने कितने का मशीन परचेज किया, यहाँ बस इतना लिखा हुआ है कि दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से मशीन परचेज किया एंड उसके आगे ये गिवन नहीं कि कितने का उसने मशीन परचेज किया। तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि कंपनी ने टोटल कितने का मशीन परचेज किया, हमें परचेज कंसिडरेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू सबसे पहले देखिए इसने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया है प्रीमियम पे, 10% के प्रीमियम पे, तो कैसे हो जाएगा ये,
10,000 इक्विटी शेयर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट फर्स्ट में पर शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज बट कंपनी ने 10% के प्रीमियम पे इश्यू किया है तो कितने रुपए के प्रीमियम पे इश्यू किया पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। देखिए 10 का हम 10% कैलकुलेट करेंगे फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज है ना पहले हम फेस वैल्यू का 10% कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 1 रुपीज। इसका मतलब 10 रुपए वाले शेयर को कंपनी ने 11 रुपए के हिसाब से इश्यू किया है तो यहाँ कितना हो जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 11 रुपीज इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 10,000 × 11 ये हो जाएगा 1,10,000 एंड डिबेंचर वाला आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए 200 डिबेंचर्स इश्यू किए कंपनी ने 10% के डिस्काउंट पे 200 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ रुपीज यहाँ कितना हो जाएगा तो देखिए पहले हम 100 का 10% कैलकुलेट करेंगे 100 × 10/100 ये हो जाएगा 10 रुपीज 100 − 10 = 90 इसका मतलब 100 रुपए वाले डिबेंचर को कंपनी ने 90 रुपीज के हिसाब से इश्यू किया है ओके तो यहाँ हो जाएगा 90 रुपीज 200 × 90 ये हो जाएगा 18,000 एंड और जो बैलेंस बचा था 50,000 जो बैलेंस बचा था उसको कंपनी ने प्रॉमिसरी नोट इश्यू करके किया पॉइंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हो जाएगा 50,000 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 1,78,000। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू 1,78,000। दिशा लिमिटेड ने निशा लिमिटेड से 1,78,000 का मशीन परचेज किया जिसका पेमेंट उसने ऐसे किया ओके अब देखिए अब हम इसकी हेल्प से एंट्री बनाएंगे। ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा सारे बच्चों को। देखिए फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर इश्यू किया है 11 रुपए के हिसाब से एंड सेकेंड पॉइंट का मतलब है 200 डिबेंचर्स इश्यू किए 90 रुपीज के हिसाब से एंड थर्ड वन इज 50,000 का बिल बना के दिया गया। देखिए सबसे पहले परचेज वाली एंट्री करेंगे अब तो हमारा आ गया ना कि 1,78,000 का मशीन परचेज किया गया है तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू निशा लिमिटेड वेंडर यहां पे हो जाएगा निशा लिमिटेड यहां हो जाएगा 1,78,000 एंड 1,78,000। फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा नरेशन हो जाएगा परचेज्ड ऑफ मशीनरी। सेकेंड पॉइंट इक्विटी शेयर इश्यू वाली एंट्री करेंगे प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू किया गया है तो एंट्री हो जाएगी निशा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था बट बहुत इजी है ये भी। अमाउंट कैसे लिखेंगे देखिए 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया है ना तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 10,000 × फेस वैल्यू 10 रुपीज यहाँ पे फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपीज ये हो जाएगा 10,000 × 10 1,00,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इंटू प्रीमियम मनी यहाँ पे आया था हमारा 1 रुपीज तो 10,000 × 1 ये हो जाएगा 10,000 दोनों को टोटल करेंगे ये हो जाएगा 1,10,000। अब देखिए डिबेंचर इशू वाली एंट्री करेंगे
नरेशन हो जाएगा इश्यूड ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री देखिए, डिस्काउंट पे डिबेंचर इश्यू किया गया है, वाली एंट्री करेंगे। निशा लिमिटेड डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू, इश्यू अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर इश्यू किया गया, यहां हो जाएगा 2 9% डिबेंचर अकाउंट। एंट्री हो गई हमारी। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो 200 डिबेंचर्स इश्यू किया गया है ना, यहां हो जाएगा 200 नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड इनटू फेस वैल्यू 100 रुपीज। यहाँ पे फेस वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके, 100 रुपीज दिया ना, 200 × 100 ये हो जाएगा 20,000। 10 रुपए का उसपे कंपनी ने डिस्काउंट दिया, यहां हमने कैलकुलेट किया था फेस वैल्यू का 10% हमने कैलकुलेट किया था, 10 रुपीज आया था, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू में हो जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स इश्यूड इनटू डिस्काउंट मनी 200 × 10 ये हो जाएगा 2000। एंड निशा लिमिटेड में कितना लिखेंगे, 20,000 − 2000 ये हो जाएगा 18,000। 200 डिबेंचर्स इश्यू किया गया है 90 रुपीज के हिसाब से, 200 × 90 हो जाएगा 18,000। पॉइंट सेकेंड भी हमने कंप्लीट कर लिया, यहां हो जाएगा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? अब देखिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली एंट्री करेंगे। थर्ड पॉइंट इज बैलेंस बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 50,000 एंड जो बैलेंस बचा उसका पेमेंट कंपनी ने प्रॉमिसरी नोट इश्यू करके दिया। तो एंट्री देखिए, निशा लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल की एंट्री हम कब कब करते हैं, सारे बच्चों को आता हो, क्लास इलेवेंथ में ही हमने ये पढ़ा था। अमाउंट कितना हो जाएगा, 50,000 का बिल इश्यू किया गया है, तो यहां हो जाएगा 50,000 and 50,000। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल कंपनी ने 1,78,000 का मशीन परचेज किया था, जिसमें से 1,10,000 का पेमेंट इसने इक्विटी शेयर इश्यू करके किया एंड 18,000 का पेमेंट इसने डिबेंचर इश्यू करके किया एंड 50,000 का पेमेंट इसने बिल्स इश्यू करके किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखेंगे, मशीनरी परचेज फॉर 1,78,000 का मशीन परचेज किया गया था, हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।